नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय अंग्रेजी यूनिट 6 पेज नंबर 84 लेट्स स्पीक। लेट्स स्पीक, लिसन, रीड अलाउड एंड यूज। सुनो, मुखर वाचन करो और उपयोग करो। ए, कम ओवर टू माय हाउस टुमारो। ए कहता है कि मेरे घर पर कल तुम आना। बी, व्हाट टाइम, कितने बजे आऊँ। ए, एट 5 इन द इवनिंग, एट 5 o'clock, इवनिंग में शाम को 5 बजे आना। इसी तरह इस कन्वर्सेशन को, इस बातचीत को हम टुमारो के स्थान पर टुडे का उपयोग करके इस बात को और आगे कर सकते हैं। जैसे कि कम ओवर टू माय हाउस टुडे, ऐसे भी बोल सकते हैं। और 5 o'clock की जगह पे आप 6 o'clock, 7 o'clock, कितना भी समय ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम इस तरह से हम बातें कर सकते हैं एक दूसरे से। आगे चलिए। ए, वी आर गोइंग टू सी अ प्ले। ए कहता है हम एक प्ले देखने वाले हैं, एक नाटक देखने वाले हैं। बी, When are you going? कब जाने वाले हो। ए, Tomorrow, उसने कहा हम कल जाने वाले हैं। At 6 o'clock, 6 बजे जाएंगे। तो देखिए, इस बातचीत को, इस कन्वर्सेशन को हम टुमारो की जगह पे दिस इवनिंग भी बोल सकते हैं, टुनाइट बोलेंगे, टुडे बोलेंगे, 6 o'clock की जगह पे 3 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock। ये सारे जो पर्याय हमें दिए गए हैं, इन पर्याय का उपयोग करके हम और भी वाक्यों को बनवा सकते हैं और संवादों को बोलेंगे। संवादों में सिर्फ इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी बातचीत को और आगे बढ़ा सकते हैं। प्रणव, हेलो वैभव। हेलो वैभव, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर पर जा रहे हो। वैभव, नो, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो। तो बच्चों, इसी तरह जो हमें पर्याय दिया गया है टू द हॉस्पिटल, टू द पार्क, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम टू द मार्केट के स्थान पर करेंगे और संवाद को फिर से एक दूसरे के साथ बोलेंगे। आगे देखिए। आंटी, हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू। पड़ोस की आंटी आती है और बच्चों से पूछती हैं कि बच्चे आप कैसे हो। ईशा और उदय, फाइन आंटी, अच्छे हैं, थैंक्स, धन्यवाद। आंटी, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। ईशा, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। उदय, आई एम मेकिंग अ चार्ट, मैं चार्ट बना रहा हूँ। आंटी, दैट्स नाइस, ये तो बहुत अच्छा है। एंड व्हाट्स योर मदर डूइंग, तुम्हारी माँ क्या कर रही है। ईशा, शी इज वर्किंग ऑन हर लैपटॉप। ईशा कहती है माँ अपने लैपटॉप पर काम कर रही है। तो देखिए, हमें वर्किंग ऑन हर लैपटॉप की जगह पर कुकिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग टीवी, इन पर्यायों का उपयोग करना है और संवाद को बोलना है। तो इसी तरह से आप इन सारे पर्यायों का उपयोग करके आपस में भी वार्तालाप कर सकते हैं, संवाद बोल सकते हैं। चलिए आगे हम शब्दार्थ देखते हैं। टुमारो, आने वाला कल। इवनिंग, शाम। टू नाइट, आज रात में। टुडे, आज। मार्केट, बाजार में। हॉस्पिटल, अस्पताल। पार्क, उद्यान। फाइन, अच्छा। तो इस तरह से दिए गए सभी पर्यायी शब्दों का उपयोग करके आप अपने मित्रों के साथ में वार्तालाप कीजिएगा और
अच्छे से पढ़िएगा। अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।